ये देखिए हम चिड़िया के लिए पानी रखे थे इसमें, यहाँ पे लगता है चिड़िया पानी पीते पीते कैसे भी करके मटकी गिर गया, मटकी फूट गया। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम सो के जग चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे। तो अभी हम बाहर आए हैं मम्मी को ढूंढते ढूंढते, मम्मी कहाँ है। तो ये देखिए मम्मी पीछे है, चलिए हम दिखाते हैं आप लोगों को मम्मी क्या कर रहे हैं सुबह सुबह। देखिए मम्मी को पूरा साफ, अपने घर के बगल में पूरा घास उस हो गया तो उसको साफ कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है, मम्मी को बहुत गर्मी लगता है। तो दोपहर के टाइम में इतना धूप रहता है और अभी से ही थोड़ा देर बाद से ही धूप बहुत हो जाएगा, तो इसलिए मम्मी सुबह सुबह अपना इसको साफ करके, क्योंकि घर के बगल है, पापा जाते होते हैं तो थोड़ा साफ रहेगा, सही रहेगा, क्योंकि गंदा रहेगा तो अभी साँप उप आने का डर रहता है। तो उस वजह से मम्मी पूरा साफ कर रही, और बगल में देखिए फूल कितना खिला हुआ है। क्या बनेगा मम्मी खाना? ठीक है, तो मम्मी अपना काम कर रहे हैं और हम चलते हैं घर में और बनाते हैं खाना। देखिए इसमें कितना घास निकाले हैं मम्मी लेके चल रहे। चलिए देखते हैं हम भी कितना साफ हुआ, उसके बाद चलेंगे। देखिए कितना है, और उठा ही रहे और फूल उखाड़ दिए ना, कितने वैसे हो कितने है रख। पैर उड़ लगेगा तो पूरा साफ कर दिए मम्मी। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे बाप रे, वहाँ तो क्यारी बना दिए, बेजोर लग रहा है देखने में। पानी पटवे नहीं है तो क्यारी बना दिए। पानी चला दबे हम तो। देखिए कद्दू के पेड़ पूरा साफ कर दिए मम्मी, पहले इधर कितने था ना घास उस। मम्मी का हाल देखिए पसीना से पूरा परेशान, बिंदी बिंदी भी उड़ गया है। ये देखिए भिंडी रखा हुआ, मम्मी सब रेडी करके गए। तो चलिए फटाफट हम इसको काट लेते हैं, जल्दी से बना लेते हैं, क्योंकि धूप निकलने के बाद बहुत गर्मी हो जाएगा। तो हम अभी बना लेते हैं इसको। और ये देखिए आप लोग भिंडी काट लिए हम प्याज और ये देखिए आप लोग भिंडी काट लिए हैं हम और प्याज मिर्ची सारा काट के रेडी कर लिए, और यहाँ पे आटा सान के भी रेडी है। तो चलिए अभी हम फटाफट बनाएंगे, जल्दी से बना लेते हैं भिंडी का भुजिया और रोटी। ये देखिए आप लोग खाना बन गया है, यहाँ भिंडी का भुजिया गरम है बहुत। ये देखिए भिंडी का भुजिया बन के रेडी हो गया है, और यहाँ पे रोटी भी बन गया है। तो आज वो खाना खा के बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि आज उनका फेवरेट खाना बना है, भिंडी का भुजिया और रोटी। भिंडी का भुजिया और रोटी आप उनको दे दीजिए, एकदम खुशी खुशी खा लेंगे। नहीं तो और कोई सब्जी रहा तो उसमें तो वो बहुत परेशान होंगे, पहले तो बोलेंगे अच्छा नहीं लग रहा है, फिर बोलेंगे खाने का मन नहीं हो रहा है, मतलब कुछ कुछ बहाना बना के। तो चलिए अभी गर्म बहुत ज़्यादा लग गया है, गर्म पसीना पूरा कपड़ा भीग गया है, तो हम चलते हैं रूम में। लाइट जला लिए और ये जगे हैं, सोए ऐसे चला दे। आज तो मौसम ठंडा है बाहर में, चला देते हैं। आज एसी का फिल्टर भी साफ करना होगा, बहुत गंदा हो गया। चौबीस पे है। तो अभी हम जाएंगे इनको नहाने के लिए, तो अभी तब तक के लिए हम थोड़ा सा एसी बंद कर देते हैं और उसका फिल्टर भी साफ कर देते हैं, क्योंकि जब तक ये रूम में रहेंगे एसी तो बंद होगा ही नहीं। तो अभी टाइम है इनका नहाने का, तो इसको हम एसी बंद करके ही करेंगे। प्लग खोल दे क्या उसका? नहीं, कहीं वही तो खोल देते हैं इसका। बहुत जाम हो गया, पूरा लाल लाल दिख रहा था इसमें, बाप पूरा जाम है। दिखाते हैं, देखिए देखे कितना जाम। वही सहाबा ने दे रहा था ही। तो एसी लगाने वाले जो आए थे ना, वो हमको बताए थे कि इसको बाथरूम में ले जाके नल से धो दीजिएगा। वैसे ये देखिए सूखा हुआ है, खुद ब खुद ही हट रहा है, इसको हम हाथ से ही पहले हटा देते हैं। अजीब सा लग रहा है, गंदा पूरा, ये देखो छी कितना गंदा निकला है। देखिए एसी के फिल्टर से ये
ऐसे धो देना है, बोला ऐसे धो दीजिएगा बस ये खुद ही साफ हो जाएगा। वैसे तो हम उन लोग को देखे थे कि वो लोग ना भीगा हुआ ही लगा देता है, लेकिन हम इसको जब तक वो नहाएंगे, जब तक हम उनको नहाएंगे तब तक हम इसको सुखा देते, सुखा के लगाएंगे हम इसको। देखिए आप लोग कितना साफ, उस टाइम दिख नहीं रहा था, ये पूरा साफ हो गया। चलिए हम इसको धूप में दे देते हैं। यहीं पे पानी गड़ जाएगा, सूख जाएगा, उसके बाद हम इसको लगा देंगे। चलिए तब तक हम चलते हैं उनको नहा देते। तो ये देखिए अभी हम नहा लिए और ये सूख भी गया है। चलिए अभी हम इसको लगा देते हैं, क्योंकि वो अभी नहा के आ गए और लाइन भी कटा हुआ है पूरा, मतलब क्या बताएं आप लोगों को, दिक्कत हो रहा है। अभी इसको लगाते हैं, देखते कितना देर में लाइन आता है। वैसे अभी नहाए हैं, चुपचाप हैं, थोड़ा देर बाद झटपट आएंगे वो। तो अभी हम इसको लगा देते हैं। देखिए लाइन तो है नहीं, बाप रे अंदर में भी गंदा हो गया है। कैसे लगेगा जी, ऐसे ठीक है? ऐसे फिर भी दूर, ये देखिए लग गया है और लाइन तो है नहीं, हम प्लग लगा के छोड़ देते हैं। तो अभी शाम हो चुका है और हम छत पे आ गए हैं, क्योंकि जिस टाइम हम नहाए थे उस टाइम धूप बहुत ही ज़्यादा था, तो हम छत पे नहीं आए थे कपड़ा पसारने के लिए। और ये देखिए अभी हम सारा कपड़ा वगैरह सब पसार लिए, कैसे दिखाएं आप लोगों को। ये देखिए ढेर सारा कपड़ा हो गया था, 2-3 दिन का जमा हो गया था इसलिए। तो छत पे अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हवा चल रहा है। और हम लोग तो पहले बचपन में घर पे रहते थे, तो गर्मी के मौसम सब मिल के छत पे सोते थे, बहुत मज़ा आता था, लेकिन अब वो टाइम कहाँ रहा। देखिए जाई क्या हुआ, ये देखिए आप लोग मटकी हम यहाँ पे चिड़िया के लिए रखे थे। देखिए ये देखिए हम चिड़िया के लिए पानी रखे थे इसमें, यहाँ पे लगता है चिड़िया पानी पीते पीते कैसे भी करके मटकी गिर गया, मटकी फूट गया। अभी हम आए, 1-2 दिन बाद आए हम छत पे, तब देखे इसको हम समेट देते हैं, दूसरा बर्तन ला देते हैं उसमें रख देंगे, नीचे रख देंगे, अब ऊपर नहीं रखेंगे हम, नहीं तो फिर से वो पानी पीते पीते गिर के फूट जाएगा। तो ये देखिए हम प्लास्टिक वाला ही लाए, क्योंकि मटकी वाला और है मेरे पास, बहुत बहुत मतलब उससे बड़ा बड़ा भी है, तो उसमें हम रखेंगे तो फिर वो पानी पीते पीते गिरा के फोड़ देगी, इसलिए हम इसमें ही देंगे, रोज़ हम इसमें डाल दिया करेंगे, क्योंकि गर्म पानी हो जाएगा तो वो भी तो उसको पीने में नहीं बनेगा ना। अब नीचे हम रखेंगे, उस ऊपर में रखेंगे ही नहीं जो गिर के फूटेगा, कम से कम पानी रहेगा तो पिएगी, तो वो तो गिर गया तो पूरा फेंका ही गया, पूरा भर के रख देते हैं, आएगी नहाएगी पिएगी पानी, कितना अच्छा लगेगा उसको। पानी गंदा निकल रहा है नल से, पानी खत। मम्मी से पूछते, मोटर चलाए थे मम्मी? मोटर चलाए थे? भरल है तो ये होलक। हाँ चला दीजिए नल से, तो गंदा पानी निकल रहा है। फिर से ले लेते हैं दूसरा, अब कहीं साफ निकले, अब लग रहा है साफ निकल रहा है, अब साफ पानी यहीं रखते हैं, क्योंकि टंकी के पास ज़्यादा आती है वो लोग, तो यहाँ रख देंगे फिर पिएगी वो। देखिए यहाँ पे हम रख दिए हैं और अब हम चलते हैं नीचे, और यहाँ देखिए पानी पानी भर गया मम्मी। तो चलिए अब हम चलते हैं नीचे, और आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।